कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा है आपको बदनसीब। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू टुटके को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। दर्पण का उपयोग हम सभी लोग करते हैं और दर्पण लगभग सभी के घर में होगा। हर सुबह उठकर आप अपनी सूरत इसमें देखकर सजते सवरते होंगे और अच्छे दिखने पर खुद की तारीफ भी करते होंगे। कहीं घर से बाहर जाना हो तब भी आप दर्पण के सामने कुछ पल के लिए जरूर खड़े होकर उसमें खुद को निहारते होंगे, यानी दर्पण आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ लोग तो अपने पर्स में भी दर्पण रखते हैं ताकि जैसे ही लोगों के बीच में जाना हो उससे पहले खुद को संवार लें। लेकिन चेहरा संवारने वाला दर्पण कई बार किस्मत भी बिगाड़ने का काम करता है, ऐसा वास्तु विज्ञान का कहना है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दर्पण सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा में फर्क नहीं करता है। उसके सामने जैसी ऊर्जा आती है उसे वैसे ही वापस लौटा देती है। इसलिए दर्पण को वास्तु विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तु वैज्ञानिक घर के वास्तु को दूर करने के लिए दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। कई वास्तु वैज्ञानिक मानते हैं कि दर्पण को लेकर हुई गलती लोगों के स्वास्थ्य, धन और उन्नति में भी बाधक बन जाती है। इसलिए दर्पण का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। शयन कक्ष में दर्पण नहीं रखें। ऐसा करना संभव ना हो तो दर्पण को ऐसे रखें कि सुबह बिस्तर से उठते ही उसमें आप अपनी सूरत ना देखें, यानी दर्पण बिस्तर के सामने नहीं हो। दर्पण का शीशा चटक गया हो तो उसे घर में नहीं रखें। दरार वाले शीशे से लौटने वाली रोशनी घर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, इससे परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं। ऐसे दर्पण में चेहरा देखने से स्वास्थ्य की हानि होती है। दर्पण के लिए घर में उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु विज्ञान में शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। गोल आकृति का दर्पण वास्तु विज्ञान के अनुसार अनुकूल नहीं होता है। आयताकार और वर्गाकार दर्पण का प्रयोग वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में दर्पण का होना कष्टकारी होता है, इसलिए इस दिशा में दर्पण नहीं लगाएं। दर्पण पर धूल मिट्टी नहीं जमने दें और यह भी ध्यान रखें कि आपके घर में बेसमेंट है या दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बाथरूम है तो पूर्वी दीवार पर एक वर्गाकार दर्पण लगाएं, इससे वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।